एस जयशंकर, फिर से विदेश मंत्री, फिर से विदेश मंत्री बनाए गए हैं एस जयशंकर। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा देखिए अब लगभग फाइनल हो चुका है 2019 से लेकर के अभी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर फिर से भरोसा जताया है। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ डॉक्टर जयशंकर जो है उसने मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया को अपने खित्ते में जो एक एक्सटेंसिव नेटवर्किंग की ज़रूरत है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में एक जिसे कहते हैं कि एक कहा जाता है ना हीरा होता है, वाकई रखा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, दुनिया के स्टेज पे। डॉक्टर एस जयशंकर साहब, मैं कहता हूं कि बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, शायद इसके मुकाबले का आदमी मुझे नहीं लगता कि हो। आज पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर जी को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि जयशंकर इस दुनिया का किंग है और हमारा फॉरेन मिनिस्टर इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा। तो जयशंकर की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। डॉक्टर जयशंकर को इस चीज का पता था कि मैंने ऑफिस संभालते ही जो है वो इंगेजमेंट करनी। आप जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, जिन्होंने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि आतंकवादी स्थान के तौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया, ठीक है, दुनिया के एक एक देश में एक एक इंटरनेशनल मंच से जयशंकर साहब ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और साथ ही साथ दुनिया को ये बताया कि भाई अगर आप पाकिस्तान का साथ देते हैं इट मीन्स कि आप डायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं विथ प्रूफ एंड विथ फैक्ट। जयशंकर साहब ने बहुत सहजता के साथ स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने पाकिस्तान का चरित्र, आतंकवादी जो चरित्र, एक्सपोज कर दिया। मैं अगर कहूँ नरेंद्र मोदी जी ने तो जो किया वो किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जयशंकर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया अकेले अपने दम पे, वो दोस्तों सराहनीय। और फिर से जयशंकर साहब अगले 5 सालों के लिए भारत के विदेश मंत्री बन चुके हैं, तो पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी तो जो करते हैं पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का ऑर्डर देते हैं वो अलग है, लेकिन जयशंकर साहब तो हर दिन हर मंच से पाकिस्तान को नीचे गिराते हैं, जहाँ इनकी औकात है वहाँ बताते हैं, एक्सपोज करते हैं। और क्योंकि अगर किसी देश को ये पता चल जाए कि यार इस देश में आतंकवाद है तो वो क्यों ही इन्वेस्ट करेगा उस देश में, और जयशंकर साहब सेम चीज़ करते हैं, वो बताते हैं दुनिया को अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हो इट मीन्स कि आप आतंकवाद में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए दुनिया नहीं करती है। बताने लगा, एक तरफ पाकिस्तान है, उसके वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो पैदा हुए थे 1988 में, दूसरी तरफ भारत है, उनके वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब। उन्होंने 1977 में फॉरेन सर्विस में जॉब की थी। मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूं जयशंकर साहब के हवाले से, फिर बिलावल साहब का आप उनके साथ कंपेयर हम करते हैं। अच्छा, जो भारत के वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की 1977 में, और 2019 में वो वजीर खारजा बने 2019 में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने बरस के बाद, तकरीबन 32 साल नौकरी करने के बाद वो मुल्क के वजीर खारजा बने। उसमें जो उन्होंने नौकरी की वो मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसडर्स रहे, मुख्तलिफ जगहों पे हाई कमिश्नर रहे, दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, काम सीखते रहे। ऑल दो कि जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी उन्होंने एक प्राइवेट फर्म में वो ग्लोबल अफेयर्स के प्रेसिडेंट बन गए, वहां पे भी वो नौकरी करते रहे। तो इतना बड़ा उनका वसी तजर्बा है। अगर आप उनकी तालीम की बात करें तो उन्होंने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है और पीएचडी की भी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी है, जोरी डिप्लोमेसी, सफारतकारी,
उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। भारत और अमेरिका के दरमियान आपको पता है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का एक मुआहदा हुआ था, जिसपे हमने बड़ी चीखें मारी थी कि जनाब भारत के साथ क्यों कर लिया या अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया। आपको पता है उस मुआहदे में भी जयशंकर का कलीदी किरदार था, उन्होंने उसको निगोशिएट किया। तो ये उस बंदे की क्वालिफिकेशंस हैं और वो बंदा इस वक्त भारत का वजीर खारजा है। तो वो जहां पे भी जाता है, एक अथॉरिटी के साथ जाता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, उसको तजर्बा है कि चीजें किस तरह काम करती हैं, किस से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से निगोशिएट करना है। और 2018 में बिलावल साहब बने मुल्क के MNA, जिंदगी में एक दिन इस शख्स ने काम नहीं किया कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन DC में बहुत आगे है, व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। मैं वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है, तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उसपे सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उसने उसपे एम्बार्गो की बात की, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है? आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जयशंकर जी की तारीफ पाकिस्तानी मीडिया करते हुए नहीं थक रहा और अपने फॉरेन मिनिस्टर की बेइज्जती भी पाकिस्तानी मीडिया करते हुए नहीं थक रहा। डॉक्टर जयशंकर जो है उसने, आप इमेजिन करें कि पहले दिन ही काम शुरू कर दिया, और इट मीन, हालांकि मेरा ख्याल है अभी तक पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं किया गया, मैंने कोई ऐसी नहीं देखी खबर कि पोर्टफोलियोज अनाउंस कर दिए गए हों, लेकिन समहाउ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनको पता है इस चीज़ का कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये खित्ते के जितने भी ममालिक। अब अगर आप सिर्फ एक एक ममालिक, एक ही मुल्क को पकड़ना शुरू करके उसके ऊपर बात करना शुरू कर दें, जिसे वो कहते हैं ना, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। आप अगर मालदीव्स को पकड़ लें, जैसे हमने पहले बात की है, तो मालदीव्स में वो एक तासुर दे रहे हैं, ठीक है, कि हम आपको गले लगाना चाहते हैं, हम माजी को भूलना चाहते हैं, माजी को इग्नोर करें, आए एक फ्रेश स्टार्ट करें। याद रखिए 2014 में नरेंद्र मोदी ने ये पैगाम पाकिस्तान को भी दिया था, आए माजी को भूल जाएं, आए मुस्तकबिल की बात करें, आए आगे चलते हैं। ये पैगाम पाकिस्तान को भी दिया था, लेकिन नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक नहीं हुए, वो ठन न सकी, क्योंकि 75-76 साल की अनसर्टन रिलेशनशिप, इस वजह से वो चीजें ठन न सके। नहीं हो, बट देन बांग्लादेश इज सो मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज मीटिंग देम एंड आस्किंग फॉर ए मोर ब्रॉडर ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जारी बात है वो भी मिले हैं। इसके साथ साथ उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है, नेपाल इज गेटिंग अ चैलेंजिंग रिलेशनशिप फॉर इंडिया। लोग अभी इंडियंस मानते नहीं है इस टाइम को, लेकिन इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि नेपाल इज ए चैलेंजिंग रिलेशनशिप, और ये आपको थोड़े से अरसे बाद पता चलेगा। गो के नेपाल इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, इन ममालिक को हमने नहीं करना। सो इंडिया के लिए चाइना इज अ मेजर प्रॉब्लम। वो समझते हैं कि चाइना को इस अंदर, कि चाइना हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट अ लिवरेज ओवर ऑल दीज कंट्रीज। भूटान तो नहीं, भूटान इज टू स्मॉल, टू स्ट्रेटेजिकली अनइम्पॉर्टेंट फॉर चाइना एंड मैनी अदर फॉर रीजन्स, लेकिन इवन देन भूटान दे कैन नॉट इग्नोर इट। लेकिन नेपाल ज़्यादा है क्योंकि बड़ा बॉर्डर है, बांग्लादेश ज़्यादा है बड़ा बॉर्डर है, फिर उसके बाद श्रीलंका बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन, मालदीव बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन, तो वो ये चीज़ों की तरफ से वो थोड़े से हैं उनकी अप्रोच। सो वो इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि सम हो इनको नेपाल को भी कैसे इंगेज किया जाए, इसलिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो मिल रहे हैं और अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, अपने आप को वो समझते हैं कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर अस, कि हमें वो ताल्लुकात को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और हमें ये मेक श्योर करना है कि नेपाल हमारे हाथों से ना निकल जाएगी। ये इंडिया को इस हवाले से बड़ी फिक्र है कि नेपाल हमारे हाथों से ना निकल जाए। अगर नेपाल हाथों से निकल जाता है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि इंडिया के लिए इस चैलेंज